अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होंगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करे कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली को ढेरों खुशियाँ दें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आज है जी ट्यूजडे, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ पार्सल जो है वो आ जाने हैं, लेकिन कुछ जो है उनकी ई मेल आई है वो कुछ डिले है, तो वो 24 को आएंगे। 24 को, हाँ 22 को सर, तो वो भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इन्होंने लगा दी है जी सेल, तो मैंने कल रात को कुछ और ऑर्डर किए जो मैंने, मेरी बड़ी प्यारी प्यारी यूट्यूबर मेरी बहन है सदा यूट्यूबर सब्सक्राइबर मेरी बहन है एना, उन्होंने भी कल मुझे मैसेज करके बताया क्योंकि जो मैंने कार्डिगन आपको अपना कल दिखाया था वो सेल में चला गया था। तो ओबियसली मैंने पिछली 2 वीक पहले शायद ऑर्डर किया था, तो इन्होंने सेल लगाई, सेल के तीसरे दिन बाद पहले 50% लगाई, फिर 2-3 दिन के बाद इन्होंने 70% कर दी और उसकी प्राइस चली गई 28 pound पे, कहाँ पे 89 कहाँ पे 29। तो मैंने तो कल जी भागी जाके उसको रिटर्न, पहले उनसे बोला कि रिटर्न करूंगी और वापस इसको बाय करूंगी, तो वो लेडी अच्छी थी, उसने बोला नहीं ठीक है फेयर इनफ ऐसा आप कर सकते हो। तो फिर मैंने वहां पे अपने पैसे वापस लिए, तकरीबन 50 something मुझे वापस आए और वापस से उसको बाय किया। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने भी बताया और मुझे रात को ही पता चल गया था, क्योंकि शायद मुझे पता ना चलता, शायद आपके मैसेज से ही पता चलता। बहुत बहुत थैंक यू आपके बताने का, लेकिन क्योंकि मैं कुछ ऑर्डर करने लगी थी अपने लिए तो जब वेबसाइट खोली तो ओ माई गॉड सेल थी। तो फिर मैंने कल रात को भी सेल पर कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, कुछ नए स्टॉक से ऑर्डर की हैं, जो समर का न्यू सैंडल्स वगैरह आ रही हैं वहाँ से ऑर्डर की हैं और कुछ ओवरसी सेल में से भी ऑर्डर किया है। तो बाकी चलें अब करने को तो मैं सारा कुछ भी वापस करूँ, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जाऊँ उनको वापस करूँ फिर रीबाय करूँ और सारा सूटकेस वापस से खोलूँ, ये हेडक अब मुझसे नहीं होती, जो हो गया हो गया। लेकिन हाँ ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैंने हाफ प्राइस पे ही ली थी, तो लेकिन अब ये 70, लेकिन अब मैं इनको भी वापस नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं हेडक करूँ भागूँ दौड़ूँ फिर काम पे भी जाऊँ। तो कल जो चीज़ें ऑर्डर की हैं वो भी, तो चलें आपको दिखाती हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया हुआ तो अब ये स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, अब मुझे अपनी फाइनल जो है वो करनी है। अच्छा जी ये क्या है, अच्छा जी अब जो आएगा ना इन चीज़ें वो ज़्यादा मेंस की होंगी, तो ये भी ऑटोग्राफ का ही था जो जंपर मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरे ख्याल से मैंने फुल प्राइस पे किया था, ये प्योर कश्मीर है। तो एक ये है, अब ये मैं आपको बताऊंगी कि नहीं कि ये किसके लिए, ये आप लोगों ने गेस करना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये है ये भी, चलिए ये भी जंपर ही है, मैंने सारे मीडियम और लेंथ रेगुलर लिए हैं, ये हो गया और पता इनका वेट भी होएगा, लेकिन इनका मुझे पता था इनके हिसाब से ही मैंने रखी थी, एक ही ले लिया। तो ये हो गए चंपल्स जो ये लिए हैं, नहीं तो वापस इनमें डालूंगी फिर ऊपर लेके जाना मेरे लिए ना इजी हो जाता है।
अच्छा जी ये लेडीज खाड़ी कार्डिगन कार्डिगन कार्डिगन, जब आप इंग्लिश में उर्दू बोलते हो ना तो फिर आपकी थोड़ा एक्सेंट चेंज हो जाता है। ये है जी नेवी में, ये मैंने दो ली हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में मिली है, ये मुझे हाफ प्राइस में मिली है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे ये मिली है। इनकी ओरिजिनल प्राइस जो 1750 है, और मेरे ख्याल से मैंने क्या पे किया है, मैंने मेरे ख्याल से 850 या समथिंग पे किया है एक का, तो जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैंने ये कलर ले लिए, चलो किसी को दे ही जाती है ना, वहां पे बंदा किसी को दे ले जाता है, दो ये वाली ली। बताइएगा कैसी लगी आपको ये आज वाली मेरी शॉपिंग। तो ये वाली चीजें जो है वो मैंने आज ऑर्डर, आज जो इनकी डिलीवरी आई है, तो इनमें से जो दो हैं, जो लेडीज की दो हैं, तो ये एक है जी बाजी सनावरा की और एक अम्मा जी की है, तो ये उनको अब कलर पसंद करवा लूंगी, जो भी उनको कलर पसंद होंगे तो वो फिर उनको दे दूंगी, जो भी जिस तरह का भी उनको कलर पसंद आएगा। मेरे ख्याल से ये मैं दूँ बाजी सनावरा को, और ये लाइट वाला जो कलर है ये अम्मा जी को दूँ, पर लेकिन फिर भी वो देख लेंगे जो सा उन्होंने रखना हुआ, दोनों का साइज तकरीबन मेरे ख्याल से एक ही होगा, एक का मैंने 10 लिया, एक का मैंने 8 लिया, क्योंकि अम्मा जी भी बहुत कमज़ोर सी हैं और सनावरा बाजी भी, तो मुझे लगता है ये दोनों फिर वो देख लेंगी जो सा उनमें से दोनों ने रखना होगा वो रख लेंगी। तो बाकी तो जो आपके आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा, होपफुली आपको शॉपिंग मेरी पसंद आई होगी। तो ये मेरे भाई की है, बता ही देती हूँ आपको, ये मैंने अपने भाई के लिए लिया है, ये भी बड़ा अच्छा है और ये भी बड़ा अच्छा सा है, तो ये मेरे भाई पे सूट भी माशाल्लाह बहुत करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, तो बाकी ये वाली जो है ये मेरे शाहिद वीर के लिए है, तो अब वो देख लेंगे उनमें इनसे जौन सी अली भाई को पसंद होगी या जौन सी शाहिद भाई को पसंद होगी, वो उन दोनों को भी दिखा लूंगी, तो वो फिर अपने हिसाब से ले लेंगे। लेकिन जो मैंने ली है, मैंने ये अली भाई के लिए ये वाली दो ली है और ये शाहिद के लिए ली है, तो बाकी कोई इतना मसला नहीं है, उन दोनों में से जौन सी जिसको पसंद आएगी वो उनको दे दूंगी। तो बाकी रही बात, और मैंने आपसे क्या करनी थी कि देख लें कि जो लोग झूठ उठते हैं ना वो बैठ भी जाते हैं, सच्चा बंदा वहीं का वहीं खड़ा होता है। कितने एक दिन ये लोग बोल लेते, कितने एक दिन ये बात कर लेते, क्योंकि ये झूठे थे, झूठ के पांव नहीं होते, और वो एक ना एक दिन चुप होना था। तो हक सच जो है वो हमेशा जीतता है और उसकी हमेशा जीत होती है, और ये कितनी देर उसको लेके बोलते रहते भोंकते रहते, लेकिन एक ना एक दिन तो इन्होंने ख़त्म करना ही था और वो उसको ख़त्म होना ही था। तो बाकी रही बात इनके कुड़लाने की, तो वो ये जितना मर्जी कुड़लाते रहे, चीखते रहे, जो मर्जी ये करते रहे, जो बात होनी थी वो होनी थी, और जो जिस बात का कोई सर पैर ना हो वो बात ख़त्म होनी ही होती है। तो खुद ही ये बेचारे कर करके थक हार के चले गए, या नहीं तो लगे थे जी हम करेंगे, ये करेंगे, हम करेंगे, वो करेंगे, क्या इनके साथ हो गया, अपने झूठ वहाँ पे बैठ के झूठ सच बोलते थे, वो सब निकल गया। तो बाकी रही बात मेरे भाई की, भाभी की, और अली भाई और शाहिद भाई की, तो वो हमेशा सच पे ही रहते हैं, और सच का सर हमेशा ऊंचा ही रहता है, नीचा नहीं होता, इन जैसे लोग इधर उधर खिसकते हैं, वो हमेशा वहीं पे थे, वहीं पे हैं और वहीं पे रहेंगे। तो बाकी और जिसको जो करना है वो कर ले, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अब तो बस गिनती के ही दिन रह गए हैं, बस आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह सब कुछ ठीक ठाक रखे। तो वहाँ पे तो अब गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो अभी ठंडी है, यहाँ पे तो गर्मी शर्मी का अभी नाम निशान नहीं है, हीटिंग अभी भी लगी हुई है, और बाहर जाते हैं तो अभी भी कोट जैकेट्स पहन के ही जाते हैं।
बाकी अब वहां का तो सीजन चेंज हो गया हुआ है, लेकिन चले अल्लाह रखे खैर। तो मैंने जो अपने थोड़े बहुत कपड़े रखे थे मैंने वो भी कल चेंज कर दिए, क्योंकि समर के ही अब रखूंगी। पहले भी मैंने समर के ही पैक किए थे ज्यादा, पर दो चार रखे थे। अब मेरा दिल है दो चार को भी निकाल के साइड पे ही कर दूं, क्योंकि अम्मी कह रहे हैं वहां पे तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा अभी से 28-29 डिग्रीज है, तो बिल्कुल भी वो पहने नहीं जाएंगे। तो मैंने तो बस अपना जो इस हिसाब से ही अब पैकिंग वगैरह करनी है। और हमारा भी कल बता रही थी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है, उसमें भी बता रही थी। तो चलें जी जाके देखेंगे क्या हाल चाल बनता है। तो बाकी अल्लाह रखे खैर। मैं तो माशाल्लाह से 2 साल पहले जब अपनी माशाल्लाह पूरी फैमिली बच्चे भी अगस्त में लेके गई थी, तब भी बच्चों ने कोई इतना नहीं किया था, माशाल्लाह इंजॉय किया था। पर मतलब मसला ये था ना कि आमर, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो मेरे अब्बू ने वहां पे घर बनाया हुआ है, या जहाँ पे हम रहते हैं लाहौर में, या अगर गुजरात में भी जाएं तो घर इस तरह के बनाए हुए हैं कि एसी बहुत, कि आप एक एसी के रूम से निकलते हो और दूसरे में चले जाते हो। और घर बिल्कुल यहाँ की तरह टब बाथ टब हर चीज मेरे अब्बू ने ऐसे ही सेट करवाई हुई थी। बस ये है कि इतना अल्लाह ने नहीं दिया कि वो जहाँ वो वहां पे जाते और ज्यादा ज्यादा देर तक रहते, वो अल्लाह ने उनको इतनी जिंदगी नहीं दी थी। बाकी अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे। तो बाकी ये है कि सहूलतें मेरे अब्बू ने वहां पे सारी हम लोगों के लिए करवाई हुई हैं, कि जब भी हम में से कोई जाए तो बस किसी को कोई तकलीफ ना हो। हर चीज यहाँ के हिसाब से लगवाई हुई है, वहां के वेदर के हिसाब से। तो बच्चों मेरे ने तो लास्ट टाइम तो बहुत इंजॉय किया था। तो पर अब तो तब जैसी गर्मी नहीं होगी, क्योंकि तब तो हम अगस्त में गए थे, तो अभी तो माशाल्लाह अप्रैल भी शुरू नहीं होगा। तो बाकी चले अल्लाह ख्याल रखे। तो इंशाल्लाह जो भी हिसाब किताब होगा वहां पे जाके देखेंगे, जो हिसाब किताब बना तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। तो आप लोगों से लेती हूँ यहाँ पे इजाजत, अगर हीरा मापी ने कुछ गलत बोला हो तो अपने दिलों से मुझे माफ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। तो लेती हूँ आपसे यहाँ पे इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल आपसे फिर आपकी हीरा मापी आके मिलेगी। और बताइएगा कि आपको मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी। अब इनको जाके मैं रखती हूँ ऊपर, और मैं अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता, क्योंकि स्कूल से आके वो खाएंगे। तो फटाफट से काम खत्म करती हूँ, तो लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़।